आगामी दो दिनों में नागपुर में पारा 44 डिग्री के स्तर पर पहुंचने का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ और आसपास के क्षेत्र में 18 से 20 अप्रैल के बीच हीट वेव चलने के आसार हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर जा सकता है। इस वजह से प्रशासन की तरफ से सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक घर के बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। धूप के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में लू लगने की आशंका प्रबल होती है। नागपुर में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे अर्थात 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी वजह से रात में पसीने वाली गर्मी से थोड़ी राहत है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज नागपुर। सर, जैसे अभी सीजन जो है आगे बढ़ रहा है तो अप्रैल मंथ में मोस्टली देखा जाता है टेम्परेचर जो है 42, 43, 44 इस रेंज में रहता ही है अक्सर। पिछले दो सालों में इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ा है, बट इस साल बढ़ रहा है क्योंकि अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है। सो उस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले दो दिन और हीटवेव की कंडीशन रह सकती है। मोस्टली चंद्रपुर और अकोला के लिए हमने हीटवेव वार्निंग जारी की है और अभी दो दिन तक ऐसे ही टेम्परेचर रहेंगे, थोड़े बड़े हुए रहेंगे 43, 42, 44 इस तरह से, और उसके बाद तीन दिन के बाद थोड़ा टेम्परेचर में फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसलिए अभी ये जो सीजन जो बढ़ रहा है ना उसकी वजह से ही मोस्टली हीटिंग है। मैम, ऐसा देखा जाता था कि सर अभी जैसे मैंने कब बताया कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अप्रैल में आप भी देख सकते हैं कि उतनी हुई नहीं है विदर में। सो पहले होता था, पिछले दो साल में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अप्रैल में हुई थी, उस वजह से टेम्परेचर जो है उतना बढ़ नहीं पाता था। इस साल टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है ज़्यादा क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उतनी हो नहीं रही है विदर्भा में, और इसलिए टेम्परेचर जो है 43-44 की रेंज में मिड अप्रैल में ही आपको देखने को मिल रहा है। क्या पूरे विदर्भ में स्थिति तापमान यही रहेगी? सर अभी तीन दिन तक थोड़ा तापमान की स्थिति जैसी बनी हुई है वैसी ही रहेगी, और चौथे पांचवें दिन टेम्परेचर में थोड़ा सा गिरावट आएगी। अभी 40 से ऊपर तो सभी जगह पे विदर्भ क्षेत्र में टेम्परेचर है, तो 40-42 और 43-44 इस रेंज में टेम्परेचर रहेगा। मोस्टली चंद्रपुर में ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे इसी तरह का टेम्परेचर रहेगा, और इवन नागपुर में भी 42-43 इस रेंज में टेम्परेचर रहने की संभावना है।